नमस्कार ममता किचन रूम आपण मानको स्वागत करछि। आज मु तयार करबी डंक तरकारी, कखरु डंकर तरकारी। तापई ए सब मिसै के मु नै छी, ए डंक नै छी, डंक काट दै छी, गोटे पा डंक हबो, डंक काट दै छी। सेथिरे मु सारु, दुइटा सारु, गोटे बड आळू आ कखरु अल्प टिके कखरु एंती काटि के मिसै के रखी छी। तदि जनि थिबो त जनि भी पकी परबे। एथिरे मसलारे नेइछि सोरिष 2 चमच, रसुण 5-6टा पाखुड़ा, आउ लंका 3टा मु चिकन करी एठी बाटी के रखीछि। सोरिष तेल रे तयारी करी बेटा। बघारिया पई रसुण टे छिछि के रखीछि, आउ सुखला लंका 2टा रखीछि। फुटण नेइछि बघारिया पई, हळदी स्वाद अनुसार लुण नेबी, जति दरकार पड़ब तुम पाने देवी, न दरकार पड़ब तर देवी। गैस ऑन करी, प्रथम अल्प पटे तेल देक पर भल कि संतुली देवी। डंक सारु आलु कखाड़ जो काट के रखी से पकईदेवी। ओडिशा डंक तरकारी ओडिया घर प्राय समस्त घर दिए और बहुत भल भी पाती। डंक तरकारी देखे स्वाद अनुसार लुण देदेवी, अपनी हलदी देदेवी, ठीक है ढांकी दे मौली खोलिक डंक पर मौली गले। मुझे सोरिष बटाटा करी से पकईदेवी। गिनारे अल्प टिके पा अधा कप खंडे पा मुदेवी सीझाप ढाकीदेवी, सीम कर देके ढाकीदेवी। तरकारी हो आसला, देखा केमती है जो तरकारीटा हो आसो सेत सोरिष बाटण आखाड़ डंकर अति सुंदर बासना गोटे आसता है। आम टे दलीद सारूटा भी टिके दलीद आलुटा भी टिके दलीद जी मखामुखी हम तरकारी आमर हो आसाणी। बर्तमान आम ताको छुंक दबा अलग गोटे जगह रखीद छुंक दबा। दुई चमच तेल पकेबा बघारिया पे। जदि आप आईसा खाया को भल पाते तेल आप चिंगुड़ी चुका जो अच्छे से चिंगुड़ी चुका को भल भाव गरम पानी धोईकी बघारिया पूर्वर भाजिकी तरकार पकईपरिवे, ना छोट चिंगुड़ी माछ मध्य भाजिकी भल कि बघारिया पूर्वर पकईपरिवे आटा बहुत स्वादिष्ट लगे। प्रथम लंका पकईबी, लंकाटा भल भाव हेला पर्यंत भाजबी। लंकाटा कंचा थी के फुटण पकईबे लाल हो पकईबे, अल्प टिके फुटण पकईबी, फुटण भल भाव फुटीज कि रसुण छेचा पकईबी अल्प टिके। तरकारीटा पकईद ढाकी देवा चल जा ना खोल बड़ी पकईपरि कि पकईनी आप बड़ी
सोरिष बटा रे भाजी जेते सोरिष बटा पकेबे ते बड़ी भाजी छिबे सोरिष बटा रे बड़ी का आउथरे बाटी देबे तापर सीता पकेबे हम तरकारी हो जाइछि अपन लगे जगह काढ़ी देबे आपन को ये रेसिपी रे जदि भल लागिला ताले लाइक कमेंट शेयर करियो को भूलबेनी आ जदि नुवा रेसिपी देखिया को चाहिबे कमेंट सेक्शन को जाई के कमेंट करिवे।